नमनाय अधिनायक जय हे भारत भाई कबीर सो बॉयज हाउ द जॉब So, what's up guys? Happy Independence Day to all of you guys and once again welcome to my YouTube channel with another vlog and as you know today is 15 August तो सब लोग को 15 अगस्त का मतलब हार्दिक शुभकामनाएं और अभी हम लोग शहीबारी में हैं तो अभी हम लोग का लाइनअप हो गया है और दो तीन बाइक आने वाला है तो वो लोग आने के बाद हम लोग एक अच्छे से नेशनल एंथम गाने वाले हैं तो नेशनल एंथम गाने के बाद हम लोग यहाँ से अच्छे से निकल जाएंगे पूरा रूल रेगुलेशन फॉलो करके और गाइस अभी हम लोग देख सकते हैं व्हाइट लाइन के किनारे हैं तो हम लोग पूरा अपना सेफ्टी रूल फॉलो कर रहे हैं तो लेट्स सी कब तक आते हैं और कुछ यूट्यूबर भी आ जाने वाला है तो उन लोग से भी मिलेंगे तो हम लोग का सामने ही है तो अभी आने वाला है कुछ देर बाद और तो गाइस आप लोग को न्यूज एक चीज दिखाई दे रहा है राइडिंग जैकेट सेक्टर का तो इसका भी मैं रिव्यू डालने वाला हूँ दो तीन दिन के बाद तो लेट्स सी क्या कुछ होता है और कुछ देर बाद आने के बाद हम लोग अच्छे से यहाँ से निकल जाएंगे लेट्स गोना बी फायर ओके तो गाइस अभी रक्तिम भाई आ चुका है तो फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ भैया से तो भैया का भी एक चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो लेट्स चेक इट आउट गाइस और भैया नाइस टू मीट यू भैया थैंक यू तो आज का राइड काफी मस्त होने वाला है भैया तो लेट्स सी क्या कुछ होता है एंड इधर सारा लोग आ गए बाइक वगैरह तो अभी अच्छे से लाइन अप करेंगे और देखते गाइस इधर हेमंत दा भी आ गया है तो हेमंत दा का भी एक चैनल है हेमंत भाई बोल के सभी को नमस्ते मेरा एक छोटा चैनल है हेमंत भाई बोल के आप लोग देखिएगा मेरा चैनल में एक बार विजिट करिएगा कैसा लगता है अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर से कीजिएगा गाइस और अच्छा सा वीडियो डालता रहता है भैया जो और चैनल का लिंक गाइस डिस्क्रिप्शन में रहेगा आप लिंक पे जाके चेकआउट कर लीजिएगा तो अभी गाइस हम लोग का राइड यहाँ से शुरू होने वाला है तो लेट्स सी कब तक स्टार्ट होता है गाइस अभी आ चुके हैं खूबसूरत सा लोकेशन देख सकते हैं और इधर देख सकते हैं पूरा बाइक लाइनअप हो गए और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है अराउंड 30 किलोमीटर कुछ ऐसा होगा तो हम लोग वहाँ पे मतलब नेशनल एंथम नहीं गए क्योंकि वहाँ पे थोड़ा गाड़ी वाड़ी ज़्यादा आ रहा था तो इसका चलते अभी यहाँ पे एक अच्छे से नेशनल एंथम गाने वाले हैं तो आप लोग थोड़ा इन्जॉय कीजिए और देखिए कैसा लग रहा है वीडियो जो तो काफ़ी मस्त लगने वाला है आज वीडियो जो तो इधर पूरा लाइनअप हो गया है और गाइस यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है अराउंड 30 किलोमीटर कुछ ऐसा होगा तो पूरा बाइक जो लाइनअप हो गया है देख सकते हैं ऐसा कुछ तो अभी हम लोग अच्छे से नेशनल एंथम में गाएंगे और यहाँ से आस्ते आस्ते से निकल जाएंगे अधिनायक जय हे भारत भाई पंजाब सिंध गुजरात Yeah.
फाइनली हम लोग नेशनल एंथम गा दिए और आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके जोर से बोलिएगा। और अभी हम लोग सीधे जाएंगे लोकेशन की ओर और यहाँ से लोकेशन अराउंड 30 किलोमीटर कुछ ऐसा है। तो हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग स्टार्टिंग में नेशनल एंथम गाएंगे लेकिन मतलब वहाँ पे पूरा ज़्यादा भीड़ था, इसके चलते हम लोग के लाइन अप थे और काफ़ी खूबसूरत लोकेशन है देख सकते हैं। तो अभी यहाँ से निकलते हैं जल्दी और बहुत ज़्यादा गर्मी भी है अभी, लेट्स सी क्या कुछ होता है और भालुकपुंग जाने के बाद ही हम लोग का क्या कुछ प्लान होता है सब कुछ बोलते रहेंगे। तो लेट्स सी एंड लेट्स गो पारी। So boys, how's the job? भाई आस्ते आस्ते से जाना आस्ते आस्ते बोला एटा एटा उलाए दे। सो गाइस अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं तो बहुत सारा मतलब सीन क्रिएट कर दिया है यहाँ पे, तो बहुत सारा मतलब आरपीएन वगैरह। सो गाइस अभी यहाँ से निकलते हैं अच्छी। हम लोग एक एक करके निकल गए अपने लोकेशन की ओर, तो देखते हैं लोकेशन पे जाके तो कैसा होता है लोकेशन जो। और पहले भी मैं जा चुका हूँ एंड गाइस मैं पहले भी जा चुका हूँ उस लोकेशन पे, तो देखते हैं वहाँ से अगर कहीं पे प्लान होता है तो जाएंगे एंड देख सकते हैं। एंड गाइस बारिश भी स्टार्ट हो गया एक दो फोन करके, मतलब इस साइड का वेदर के एंड इस साइड का गाइस वेदर का बात ही मत बोलो गाइस, कभी भी चेंज होता रहता है। एंड गाइस देख सकते हैं वेदर अभी चेंज हो गया है और अभी एक दो बूंद करके बारिश भी आ रहा है। तो यहाँ पे कहीं पे अगर छत वगैरह मिल जाएगा तो अच्छा होगा क्योंकि ओह माय गॉड कहाँ पे रुकते हैं भाई। एक छोटा मोटा छत मिला है और लोग भी यहाँ पे सो गए। सभी जाके थोड़ा सा बारिश रुका है तो फटाफट से यहाँ से निकलते हैं नहीं तो फिर से भीगना पड़ेगा। अरे भाई लोग आ तो भाई लोग यहाँ से जल्दी जल्दी से निकलते हैं। माय गॉड मतलब इस साइड पे आने से रेनकोट वगैरह लेके आएगा क्योंकि मतलब इस साइड में थोड़ा पहाड़ी इलाका हो जाता है, तो इसके चलते कभी भी मतलब यहाँ पे वेदर चेंज होता रहता है। और हमने लाने का सोचा था लेकिन नहीं लाया तो हम लोग का गलती है। आप अगर कभी भी आएंगे तो इस साइड पे रेनकोट वगैरह लेके आएगा क्योंकि देख सकते हैं हम लोग का हालत क्या हो गया है। एम ब्रो कम कम तो देख सकते हैं गाइस और लोकेशन ज़्यादा दूर नहीं है, अराउंड 3 किलोमीटर कुछ ऐसा होगा, 3 किलोमीटर ऐसा ही कुछ होगा। लेट्स टू लोकेशन एंड गाइस देख सकते हैं गाइस यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी मतलब भीड़ लगा हुआ है क्योंकि आज का दिन मतलब यहाँ पे बहुत सारा लोग आते हैं, बहुत सारे राइडर्स आते हैं, तो उसके चलते यहाँ पे काफ़ी मतलब भीड़ रहता है। हम देख सकते हैं अभी गए जाते हैं मेन लोकेशन की ओर, तो वहाँ से देखते हैं कहाँ पे जाते हैं, वहाँ से ही मतलब सारा कुछ प्लान होगा।
तो सोच रहे हैं कि टीपी तक जाएंगे अरुणाचल बॉर्डर के अंदर, तो लेट्स सी घुसने देगा कि नहीं मालूम नहीं, फिर भी ट्राई करेंगे आप लोगों को दिखाने के लिए। ओ माय गॉड, इतना कीचड़। सो गाइस फाइनल लोकेशन पहुंच चुके और अभी फिलहाल तो देखते बाकी सारा लोग नहीं आए अभी तक से। सो गाइस इस लोकेशन को करते हैं बाय बाय और अभी जाते हैं अरुणाचल के अंदर। और आज 15 अगस्त है, दैट्स व्हाई आज पास फ्री कर दिया है शायद। तो गाइस अभी जाएंगे अंदर टीपी तक, एक बहुत बढ़िया सा बॉर्डर पल है तो वहां तक जाएंगे शायद। लेट्स सी क्या कुछ होता है, गेट के सामने पहुंचने की बात ही मालूम पड़ेगा। सो गाइस आज फ्री है शायद, दैट्स व्हाई वी कैन एंट्री, नहीं तो हम लोग टावांग जाते टाइम मतलब पास बनाना पड़ रहा था। तो आज तो फ्री है, थोड़ा घूम के आएंगे आगे तक। ओ ओ ओ ओ, ओ फाइनली अरुणाचल प्रदेश, लेट्स गो बेबी। Look at the view, man! Yes, bro. And guys, देख सकते हैं वाटरफॉल जो, तो ये एक वाटरफॉल तो आगे भी शायद एक है तो वहाँ तक जाएंगे। ये तो एक छोटा मोटा सा है। And guys, जब हम लोग फर्स्ट टाइम टावांग आए थे ना तब फर्स्ट टाइम यहीं पे रुक के मतलब फोटो खींचे थे। एंड इधर देख सकते हैं व्यू, पूरा मस्त व्यू आ रहा है। सभी आके यहाँ पे रुका हुआ है, चारों तरफ पहाड़। और गाइस यहाँ से सोच रहे कि जाएंगे कि नहीं आगे, और अभी तक से बाकी राइडर्स नहीं पहुंचा है और रक्तिम दा और हेमंत दा शायद आगे ही चला गया है। तो गाइस देखते हैं कब तक आते हैं हम लोग, आएंगे तो जाएंगे और नहीं आएंगे तो यहीं से वापस चला जाएंगे। और इधर देख सकते हैं इन लोग का एक्साइटिंग जन्नत में आ गए हम लोग, जन्नत में आई एम सो इधर आ गए। इन लोग का पूरा एक्साइटिंग इंडिया, देख सकते हैं इन लोग का एक्साइटिंग, पूरा एक्साइटिंग क्योंकि फर्स्ट टाइम आ रहा है। सभी लोग आ चुका है और इधर देखते थे अभी भी दो लोग आने वाला है, तो देखते हैं कब तक आते हैं। और अगर जल्दी जल्दी से आ गया तो हम लोग आगे जाएंगे, नहीं तो यहीं से वापस होने वाले हैं क्योंकि शाम भी हो जाएगा। अच्छा है, थोड़ा दिक्कत वगैरह भी आ सकता है और रेनकोट वगैरह भी लेके नहीं आया, तो देखते हैं क्या कुछ होता है। भाई लोग अभी यहाँ से निकलते हैं वाटरफॉल की तरह जहाँ पे बड़ा सा वाटरफॉल है। और गाइस मेरा जो एक्शन कैमरा है उसका भी बैटरी लो हो गया, दैट्स व्हाई अब एक एक्स्ट्रा बैटरी भी नहीं लाया, तो अभी फ़ोन से ही कैमरा वगैरह करना पड़ेगा, फ़ोटो वगैरह तो वीडियो वगैरह करना पड़ेगा। लेट्स सी कब तक पहुँचते हैं। एंड गाइस देख सकते हैं पूरा फोगी फोगी होके रखा है और अभी फिलहाल है हम लोग शेरशाह पे, और थोड़ा दूर जाएंगे और वाटरफॉल तक जाएंगे और फिर से घूम के आएंगे। तो लेट्स सी क्या कुछ होता है। और अभी फिलहाल तो एक्शन कैमरा का बैटरी भी लो हो गया, तो अभी तो मोबाइल से ही करना पड़ेगा वीडियो वगैरह। एंड गाइस देख सकते हैं शेरशाह में पूरा फोगी फोगी होके रखा है। मैं पहले ही बोला था कि
यहाँ पे पूरा फॉग फॉग होके रहता है और विंटर का सीजन में तो काफ़ी होता है, पूरा रास्ता दिखाई नहीं देता है। और अभी तो काफ़ी साफ सुथरा ही है गाइस, देख सकते हैं लोकेशन एंड व्यू। तो गाइस हम लोग वहाँ तक नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ से घूमकर भी जाना पड़ेगा और वेदर भी ख़राब है, और तो सोच रहे थे कि यहाँ से घूम के जाएंगे, तो वेदर से देखते हैं और यहीं पे रुकते हैं थोड़ा देर और यहीं से घूम के जाएंगे। तो गाइस अभी फ़िलहाल आके यहाँ पे रुका है एंड काफ़ी खूबसूरत लोकेशन है देख सकते हैं पीछे, और पूरा फोगी फोगी होके रखा है चारों तरफ गाइस। एंड अभी तो मानसून का सीजन है इसके चलते थोड़ा बहुत फोगी फोगी होकर रखा है, लेकिन विंटर के सीजन में गाइस ये रास्ता तो बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता है और काफ़ी मस्त लोकेशन है। तो सोच रहे कि यहाँ से आगे नहीं जाएंगे क्योंकि अभी अराउंड 3 बज गया तो दोपहर का, तो अभी फ़िलहाल यहाँ से घूम के जाएंगे क्योंकि रात हो जाएगा और हम लोग रेनकोट वगैरह भी नहीं लाए हैं और साथ में बहुत राइडर्स भी है, तो दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ से जितना हो सके जल्दी निकल जाएंगे। और बाकी आप लोकेशन का एंजॉय लीजिए एंड काफ़ी खूबसूरत लोकेशन है और देख सकते हैं। और अभी फ़िलहाल हम लोग है सेसा पे एंड गाइस लुक एट द व्यू, ओ माय गॉडनेस, दिस इज हेवन गाइस। एंड ये लोग गाइस फर्स्ट टाइम आया है हम लोग के साथ इंडिपेंडेंट डे बोल के, और इन लोग का जोश देखिए गाइस पूरा मतलब एक्साइटिंग, हाय हाय। तो गाइस इन लोग का एक्साइटिंग देखकर हमको ये मतलब बहुत खुश लग रहा है क्योंकि इन लोग को लाके अगर ऐसा कुछ लोकेशन अगर नहीं दिखा पाते तो हमको मतलब थोड़ा बहुत अफसोस लगता, तो दैट्स व्हाई गाइस हमें भी खुशी मिल गया थोड़ा थोड़ा और उन लोग को भी थोड़ा बहुत खुशी दे दिया। तो किसी को अगर खुशी बटना मतलब अगर किसी को खुशी बटने के लिए आपको क्या बोलता है उसे मौका मिले तो खुशी बटिए, तो खुशी में ही सारा जिंदगी, तो देख सकते हैं तो यही खुशी है यही लाइफ है, तो लाइफ को थोड़ा एंजॉय बहुत कीजिए, तो क्योंकि लाइफ प्री डिडक्टेबल गाइस कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसके चलते हम लोग थोड़ा बहुत इधर आए थे घूमने के लिए। सो गाइस आज का वीडियो कुछ ऐसा ही था और मिलते हैं अगले ब्लॉग पे। वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो गाइस आज का वीडियो मिलते हैं अगले ब्लॉग पे। सी यू सून बड़े।